सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पेट्रोल पंप से युवक का अपहरण। पुणे में 20,000 रुपए के लिए हड़पसर के पेट्रोल पंप से युवक का दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में कार से अपहरण कर लिया गया। इसके बाद 5 घंटे में क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने अपहृत युवक को मुक्त कराया। सीसीटीवी कैमरे और कार नंबर से अपहरण की दुर्घटना का पर्दाफाश हुआ। मामले में पुलिस ने दीपक, छगन, विशाल भगवान और विजय को गिरफ्तार किया है। 32 वर्षीय युवक ने हड़पसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता युवक ने 2 वर्ष पहले 20,000 रुपए लिए थे। इनमें से 15,000 रुपए उसने वापस कर दिए थे, लेकिन वह 1 लाख देने की बात कह रहा था। शिकायतकर्ता पैसे देने से इनकार कर रहा था, इसी वजह से 5 लोगों ने उसका अपहरण करने का प्लान बनाया था। शिकायतकर्ता युवक उसका एक दोस्त शादी से संबंधित काम के लिए रविवार को सुबह बाइक से चौफुला जा रहे थे। पेट्रोल डलवाने के लिए सोलापुर रोड के सेवलवाड़ी के एक पेट्रोल पंप पर गए थे। उसी वक्त शिकायतकर्ता के साथ गए युवक को किसी का फोन आया, इसीलिए वह साइड में जाकर फोन पर बात करने लगा। इसी दौरान पीछे से कार से आरोपी वहां पहुंचे और युवक का अपहरण कर लिया। युवक को सकुशल मुक्त कराकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच अविनाश सिंधे कर रहे हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।